का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया आदि महोत्सव का उद्घाटन, जनजाति कला संस्कृति की दिखी झलक। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू, 259 उम्मीदवारों की किस्मत होगी ईवीएम में बंद। सदन में हंगामे पर बोले ओम बिरला, कहा नारे लगाने चिल्लाने से नेता नहीं बनते, चर्चा संवाद से बनते। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, बोले संतों की रचनाएं देश की एकता के लिए उपयोगी, सभी भाषाओं में होना चाहिए अनुवाद। कांग्रेस लीडरशिप से खुश नहीं सचिन पायलट, गहलोत के वफादारों पर एक्शन ना होने पर उठाए सवाल, बोले जल्द हो फैसला। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। लखनऊ में गोमती नगर के एक होटल में महंत राजू दास और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच हाथापाई हो गई, तो वहीं दोनों के समर्थक भी आपस में भिड़ गए। दोनों पुलिसकर्मियों ने मामला शांत कराया, वहीं अब पुलिस वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच कर रही है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना फरीहा क्षेत्र में पड़ोसी के घर कुत्ते को जाने को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि 60 वर्षीय युवक को फावड़ा मारकर मौत के घाट उतार दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बता दें, पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस जिसकी तलाश में जुटी हुई है। कौन से गांव में रहती हो? रखावली हूँ। अच्छा जी, झगड़ा हुआ क्या, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? बिल्ला के पीछे हुआ था, वो लोग डंडा लेके आए, बाबा मारा, बाबा तुरंत खत्म हो गए, ये घायल हो गई है। क्या नाम है इनका? ब्रह्मा देवी। बाबा का नाम क्या है? किशन लाल सिंह। तो फिर पुलिस आई थी वहाँ? हाँ, पुलिस आई थी। पकड़ा गया? मुझे पकड़ा गया नहीं, लड़का भाग गया, अपराध हो गया। मेरे बाबा का नाम किशन लाल है, इनकी मम्मी राखी लल्ला ने हमारे पांव ने मार डाले, पांव में रखो चांदी पे। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? बहुत पिल्ला ढोल से गा रहा था, हमारा टट्टी गरा बिना जा रहा है आगे पीछे। क्या मारा था? रखावली थाना फरिया में दोपहर 2-3 बजे के आसपास दो पक्षों के बीच में लड़ाई होगी, दोनों पड़ोसी हैं। इनफैक्ट ये लड़ाई डॉग को लेकर के हुई थी और उसमें ज़्यादा मारपीट हो गई, एक पक्ष के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई मौके पर, जो उम्र दराज थे, और उसी पक्ष की एक महिला भी घायल हो गई। हम लोग को सूचना मिली तत्काल, हम लोग मौके पर गए, हम लोगों ने उसमें FIR दर्ज कर ली है और जो मृतक हैं उनको हम लोगों ने मोर्चरी भेजा है पोस्टमार्टम के लिए। बाकी दूसरे पक्ष जो हमलावर पक्ष हैं जिनके द्वारा मारपीट की गई है, उसमें से कुछ लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, इसमें FIR कर ली गई है, अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर इलाके के जंगलों में कई मृत गोवंश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं हिंदू संगठनों के लोगों में रोष देखने को मिला। संगठनों के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसी गांव के इलाके में कुछ दिन पहले भी मृत गोवंश मिले थे, जिसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पिछले मामले को भी लेकर प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा अभी तक कोई जाँच नहीं हुई है। अभी सूचना मिली है लगभग 6 बजे के आसपास कि यहाँ पे कुछ पशु थे जो अवस्था में पाए गए थे, तो सूचना मिलते ही यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। पुलिस भी है और प्रशासन के लोग हैं, नगर पालिका के कर्मचारी भी हैं और पशु विभाग के भी हैं, तो यहाँ पे आके चेक किया गया है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये काफ़ी कुछ दिन पुराने हैं और जिनकी संभावित रूप से नेचुरल डेथ हुई है और इनको यहाँ पे लाके फेंका गया है, और ये बरौली गांव है खुर्जा का, यहाँ का मामला है। किस तरह की जांच के आदेश दिए गए हैं?
सबसे पहले तो अभी इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेटेड है, अभी डॉक्टर साहब ने सैंपल ले लिए हैं, वीओ साहब ने यहाँ पे सैंपल। गाय गोवंश मिले हैं यहाँ, क्या है कितने गोवंश हैं? आज से कर पूर्व 16-17 दिन पहले ऐसी घटना भी हुई थी जिसमें 30-35 गोवंश मिले थे। उसमें खुर्दे एसडीएम महोदय ने जांच के आदेश के अनुसार कह दिया था कि इस पर उचित कार्रवाई होगी, आज तक भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। आज हमें यहाँ के किसी कार्यकर्ता के अनुसार सूचना मिली जिसमें हमें 30-35 गोवंश फिर मिले हैं, उसी स्थिति में कोई भी इस पर कार्रवाई न शासन प्रशासन कर पाया है। अगर आपकी कार्रवाई नहीं कोई सुनता है तो क्या करेंगे आप, आगे की क्या रणनीति है? अगले 24 घंटे का हम शासन प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, या तो इस पर उचित कार्रवाई करके जितने भी अपराधी उनको जेल। बुलंदशहर में बेसिक शिक्षा विभाग को ब्लॉक सियाना में तैनात 2 एआरपी पलीता लगा रहे हैं। बता दें कि दोनों एआरपी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं और शासन के आदेशों को पलीता लगाते हुए दिख रही हैं। दोनों एआरपी के खिलाफ बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिखित में शिकायत में बताया कि फर्जी ड्यूटी के नाम पर दोनों एआरपी पूरा वेतन पा रही हैं। शिकायत यह है सर, 2 एआरपी हैं वहाँ पे, शिखा रानी और अर्चना रानी, दोनों अगर मीटिंग होती है कहीं, हमारे यहाँ 3 बजे से मीटिंग होती है, लेकिन वो विद्यालय में जा कर के फूलमाला चढ़ा करके अपना 12 बजे या 11 बजे वहाँ से चली आती हैं और मीटिंग में कोई प्रतिभाग नहीं करती हैं और शासन की जो मंशा हैं उन्हें पलीता लगा रही हैं। वो एक वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल में क्या आधार है? वीडियो का सर ये है कि वो क्या काम करती हैं कि विद्यालय जाती हैं और विद्यालय जाने के बाद में अपना फ़ोन ऑन करके वो अपने घर चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ वो स्थानीय हैं, अपने घर के कामकाज करती हैं और स्कूल में फ़ोन को चला के छोड़ जाती हैं। कानपुर देहात मामले में न्याय दिलाने के लिए अब अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बता दें कि जनपद मुख्यालय गौरीगंज में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए। कानपुर के रूरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के नाम पर माँ बेटी को दोनों को जिंदा जला दिया गया है। इस तरह सरकार गुंडागर्दी दिखा रही है और बुलडोजर पे जो गुंडागर्दी दिखा करके अतिक्रमण हटा रही है और गरीबों को बेदखल कर करके उनको जिंदा जला दे रही है, ये काम बर्दाश्त कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में कांग्रेस का आज इसको लेकर के धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अध्यक्ष जी, बीजेपी द्वारा दावा किया जा रहा है कि हम जांच करा रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं, पहले मारे और बाद में कहे कि इस पर कांग्रेस या अन्य पार्टियां राजनीति न करें, तो पहले तो घर घर में बुला करके मारो और फिर कहोगी नहीं ठीक है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।